विजय हजारे ट्रॉफी में फिर कमाल हो गया है और ये 2022 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसमें लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। हमने पिछली बार जो वीडियो बनाया उसमें बताया कि किस तरह से नारायण जगदीशन ने कमाल किया और 277 रनों की पारी खेल के एक रिकॉर्ड बनाया और इस बार फिर रिकॉर्ड जो बना है वो गजब का रिकॉर्ड बना है और ये रिकॉर्ड बनाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने 159 गेंदों में शानदार 220 रनों की पारी खेली जिसमें 10 चौके और 16 छक्के लगाए और ये कमाल ऋतुराज गायकवाड़ ने तो रन बनाने का तो एक कमाल किया। जो सबसे बड़ा कमाल किया वो ये है कि एक ओवर में 43 रन बनाए लगातार 7 छक्के जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। वनडे में ये रिकॉर्ड युवराज सिंह, पोलार्ड, हर्षल गिब्स और रवि शास्त्री के पास था लेकिन ये जो फर्स्ट क्लास का क्रिकेट है विजय हजारे ट्रॉफी इसमें कमाल किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने 330 रन बनाए अपने स्कोर को लेके महाराष्ट्र के लिए और 5 विकेट महाराष्ट्र ने खोया 50 ओवर में उत्तर प्रदेश के खिलाफ। और ये जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा जाने जाते हैं अपने पुल शॉट के लिए, कट के लिए, ड्राइव के लिए और उनका जो कॉपी बुक स्टाइल में और जो इनके डिफेंस का अंदाज है वो बिल्कुल अलग रहता है। और ये सवाल उठने लगा कि इतने शानदार नगीने मतलब इतने प्रतिभा के धनी खिलाड़ी क्यों चयनकर्ताओं के नजर में नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा जगदीश नारायणन ने कितनी शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 141 गेंदों का सामना करते हुए 277 रनों की पारी खेली जिसमें 25 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के थे। तमिलनाडु के ये प्लेयर हैं और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए ये रन बनाए थे और ये जो रन बनाया है ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं आईपीएल में और वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं लेकिन जिस तरह के न्यूजीलैंड की पिच है, स्विंग है, वहां रफ्तार है, वहां उछाल है तो ऐसे खिलाड़ियों को क्यों ना चयनकर्ताओं ने वहां चयन किया भारतीय टीम के लिए। वहां ऋषभ पंत को लेकर गए हैं जो कि ऋषभ पंत के बारे में कहा जाता है कि बीसीसीआई क्यों विशेष प्रेम दिखा रही है, टेस्ट में वो बेहतर खेलते हैं लेकिन टी20 में और वनडे में आपने देखा होगा व्हाइट गेज से बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन उनका नहीं है। संजू सैमसन के ऊपर इनको तरजीह दी जा रही है, संजू सैमसन को वहां बैठाया गया और इस बार जो देखा गया अभी जो मैच बीता है उसमें उमरान मलिक ने किस तरह से धारदार गेंदबाजी की। उमरान मलिक ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 145, 144, 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किस तरह से झनाटेदार गेंदबाजी की वहां पर न्यूजीलैंड में। तो ये बार बार कहा जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ नारायण जगदीशन के ऊपर क्यों नहीं नजर पड़ रही है इस विजय हजारे ट्रॉफी में। ये 8 मैचों में 6वां शतक है ऋतुराज गायकवाड़ का और नारायण जगदीशन ने तो और कमाल कर दिया, उन्होंने एक सीजन में लगातार 5 शतक लगाए और विराट कोहली, पृथ्वी शाह, यहां तक कि जो संगकारा का रिकॉर्ड था लगातार 4 शतकों का उसका रिकॉर्ड तोड़ा और वनडे के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेली 277 रनों की। तो जो ऋतुराज गायकवाड़ है उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की और उन्होंने 49वें ओवर लेकर आए शिवा सिंह, उनकी गेंदों पे लगातार 4 छक्के लगाए, फिर 5वां गेंद वो 9 फेंकते हैं उस पे छक्के लगाते हैं और फिर आगे की 2 गेंदों पे वो लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो इस तरह से 42 और 1 रन 9 का आता है तो 43 रन। तो फर्स्ट जो लिस्ट ए क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और टी20 के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़ के पास आ गया है क्योंकि युवराज सिंह ने भी आपने देखा होगा एंड्रू फ्लिंटाप जो कि बड़े शानदार गेंदबाज थे इंग्लैंड के, उनके 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे और हर्षल गिब्स ने भी शानदार 6 छक्के लगाए थे। आपने देखा होगा कि रवि शास्त्री जो कि उस समय गैरी सोबर्स ने भी लगाए थे लेकिन रवि शास्त्री का ये रिकॉर्ड था उनके रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। तो जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं तो चयनकर्ताओं की नजर क्यों नहीं जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए या और भी किसी इंग्लैंड चले जाइए तो वहां के चयनकर्ता बाकायदे वहां के जो लोकल मैच है, रणजी मैच है, जो वहां के मैच है वहां वो देखते हैं, खिलाड़ियों की कमियों को देखते हैं, खिलाड़ियों के स्टाइल को देखते हैं, खेलने के तरीकों को देखते हैं फिर चयन करते हैं। आपने सुना होगा एबी डिविलियर्स का नाम जिन्होंने अंडर 19 क्रिकेट से के बाद ही उनका डायरेक्ट चयन कर दिया गया था साउथ अफ्रीका टीम में। तो ये खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा चयनकर्ताओं जो चयनकर्ता हैं उनके निष्क्रियता को आपने देखा होगा, अभी पूरी चयनकर्ता को हटा दिया गया है भारतीय बीसीसीआई की तरफ से और जिस तरह से आपने देखा होगा उन्मुक्त चंद किस तरह से प्रतिभावान खिलाड़ी थे ये कितना देखते रहते हैं।
आपने पाकिस्तान में देखा होगा किस तरह से एक युवा खिलाड़ी प्रदर्शन करता है, उसकी उम्र 17 साल है, वो तुरंत लेकर क्रिकेट में चले आते हैं, और हमारे यहाँ देखा जाता है पता नहीं कब तक उसका फॉर्म बना रहेगा। आपने देखा होगा उमरान मलिक के साथ ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया की जो पर्थ पिच थी वो शानदार माना जाता है तेज गेंदबाजों के लिए, और वो मक्का कहा जाता है तेज गेंदबाजों के लिए, इतनी शानदार वो पिच होती है, वहां भी आपने उमरान मलिक को नहीं चुना टीम में, और जिस तरह से उमरान मलिक न्यूजीलैंड के खिलाफ धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं आपने वहां भी नहीं चुना, तो कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं पर एक उंगली उठ रही है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल कर दिया, और उत्तर प्रदेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 159 गेंदों में 220 रन, 10 चौके और 16 छक्के जमा दिए। 16 छक्के जमाना कोई छोटा खेल नहीं है, अगर जिसके पास प्रतिभा हो, टेक्निक हो, हाई बैकलप हो, वही छक्के लगा सकता है। आपने देखा कि किस तरह से नारायण जगदीशन ने भी शानदार बल्लेबाजी की और रिकॉर्ड बनाया वनडे में। तो ऐसे ही खबरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ये कंटेंट आपको बेहतर लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।